हेलो एवरीवन, आई होप यू डूइंग वेल। सीसीएमटी राउंड फर्स्ट का रिजल्ट 29 जून को अनाउंस्ड हो गया था एंड उसके बाद जिन स्टूडेंट को सीट अलॉट हुआ है उनको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एंड देन सीट एक्सेप्टेंस फी पे करना है, ठीक है। लेकिन मुझे बहुत सारा कमेंट्स आया है कि मुझे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। इवन बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो हम पहले नोटिस नहीं किए थे लेकिन अचानक सबमिट करना पड़ रहा है, तो हम क्या करें। एंड इसका जो लास्ट डेट है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का या जो भी डॉक्यूमेंट्स पे करने का, वो है आपका 4 जुलाई, ठीक है। उसके बाद आप नहीं कर पाएंगे। अगर ये डॉक्यूमेंट्स आप टाइम पे सबमिट नहीं करते हैं तो आपका सीट रिजेक्ट होने के भी चांसेस हैं, ठीक है। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। हाँ, थोड़ा लॉन्ग हो सकता है लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं इजिली एंड केयरफुली सबमिट कर पाओगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले ले चल रहा हूँ इसके इंफॉर्मेशन ब्राउजर पे, ठीक है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो रिक्वायर्ड हैं, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड फॉर ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, ठीक है। तो सबसे पहला तो आपका है जो डेट ऑफ बर्थ का है एंड दैट इज़ क्लास 10th का आपका मार्कशीट लगेगा और ये सभी के पास अवेलेबल है, ठीक है। दूसरा आपका फ़ोटो आईडी कार्ड कोई भी हो सकता है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बट मोस्टली लोग आधार कार्ड ही सबमिट करते हैं, ठीक है। एंड थर्ड इज़ द 12th ग्रेड कार्ड, इट मींस कि जो भी आपका 12th का मार्कशीट होगा उसको सबमिट करना है। एंड फोर्थ इज़ ग्रेड या मार्कशीट आपका जो भी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है, और ये आपकी बात कर रहा है बीटेक डिग्री की, ठीक है। तो जब आप बीटेक ग्रेजुएट किए होंगे तो उस समय आपको इंडिविजुअल सेमेस्टर का मिला होगा, तो आपको वो सारे सर्टिफिकेट को कंपाइल करना है एक पीडीएफ में एंड देन अपलोड करना है, ठीक है। हाँ, लेकिन प्रॉब्लम उन स्टूडेंट को आ रहा है जो अभी 2023 में ग्रेजुएट हो रहे हैं, इट मीन्स कि उनका 7th सेमेस्टर कंप्लीट हो गया है एंड 8th सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया है, इवन उन्हें कोई प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट भी नहीं मिला है, तो उनके लिए ये रियल प्रॉब्लम है। तो मैं आपको बता दूं कि टिल नाउ जो भी आपके पास मार्कशीट अवेलेबल है उसका पीडीएफ आप कंपाइल कीजिए एंड देन सबमिट कीजिए, ठीक है। आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट प्रॉब्लम आपको यहाँ आने वाली है 5वें पॉइंट में कि डिग्री प्रोविजनल सर्टिफिकेट, ठीक है। अगर आपकी डिग्री अवेटेड है, दैट मीन आप जस्ट फ्रेशर 2023 के पास आउट होने वाले हो, तो आपको कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से लिखवा के लाना पड़ेगा, वो भी सीसीएमटी के जो भी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है। तो आपको एक कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपके इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से लाना पड़ेगा और उसका फॉर्मेट सीसीएमटी के वेबसाइट पे है, मैं आपको वो अभी दिखा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद गेट स्कोर कार्ड तो सभी के पास होगा एंड देन अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो लाइक EWS, OBC, ST एंड SC तो आपको सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा। बट अगर आप OBC नॉन क्लीमिलियर और EWS से बिलोंग करते हो तो जो आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए, ये ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद आपका आता है डिक्लेरेशन, ठीक है। OBC NCL स्टेटस के लिए डिक्लेरेशन वो भी वेबसाइट पे अवेलेबल है अगर आपको देना है, ठीक है। एंड देन PWD या डिसेबिलिटी के लिए भी यहाँ पे सर्टिफिकेट है। तो आपको ये जो 9 डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड करने हैं। अगर आप डिसेबल नहीं हो तो आपको ज़रूरत नहीं है, अगर आप जनरल कैटेगरी पे बिलोंग करते हो तो आपको 7th और 8th की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर्ड है, बट ये जो 6 डॉक्यूमेंट्स हैं ऊपर के ये सारे कैंडिडेट को सबमिट करना है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो भी अभी फ्रेशर हैं उनको कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट लाना ही पड़ेगा अपने इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी से। जो ग्रेजुएट हो गए उनको कोई दिक्कत नहीं, उनको ऑलरेडी सारे सर्टिफिकेट्स अवेलेबल हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इंटरफेस कैसा आ रहा है जब आप अपलोड करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ इंटरफेस आपके सामने दिख रहा है अगर आप सीसीएमटी के साइट पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हैं, ठीक है। एंड 7th पॉइंट में ये मेंशन है कि कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट अपलोड करना है एंड योर कैटेगरी, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको वो सर्टिफिकेट कहाँ से डाउनलोड करना है, ठीक है। तो जैसे आप सीसीएमटी के मेन साइट पे गए थे तो वहाँ यहाँ पे आपको दिख रहा है सर्टिफिकेट फॉर्मेट, एंड जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का विंडो आपके सामने ओपन होगा एंड देन आपको जितने भी सर्टिफिकेट्स रिक्वायर्ड हैं अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी, ठीक है, वो सारे यहाँ पे अवेलेबल हैं एंड यू कैन डाउनलोड देम। एंड कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट फॉर फ्रेशर इज
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर आपको ये देखना है कि अप्लाई कैसे करना है या कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट होता कैसा है जो आने के बाद जो कि हमें अपलोड करना है, तो वो कमेंट कीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट का एक लाइव प्रूफ दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको 4 तारीख से पहले सबमिट करने हैं, अदरवाइज में भी आपका सीट रिजेक्ट हो सकता है। ओके, आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।